हे गाइज, मेरा नाम आयुष और आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ 2018 अपकमिंग बाइक जावा क्लासिक के बारे में। गाइज, इंडियन मार्केट में जावा जो है एक बार फिर से री एंट्री कर रहा है और अपनी एक नई बाइक को लेके आ रहा है। तो गाइज, जावा की ये जो क्लासिक बाइक है ये कब लॉन्च होगी, क्या प्राइसिंग रहेगी, स्पेसिफिकेशंस क्या होगी, इसके अंदर ABS आएगा या नहीं आएगा, आपके बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे पास में जो है सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे या नीचे कमेंट्स में आए, तो उन सभी की रिप्लाई जो है आज इस वीडियो में मैं आपके साथ में देने वाला हूँ। और बाइक की जो भी डिटेल्स की आपको नीड है वो सभी जो है आपको इस वीडियो में आगे प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे थोड़ी सी जावा की जो है हिस्ट्री बता दूं। जावा सबसे पहले इंडियन मार्केट में 1961 में आया था अपनी 250cc बाइक को लेके, जिसका नाम था 353। 1973 में जो है नाम चेंज करके ESD कर दिया गया था और कुछ कारणों के बाद में जो है ये कंपनी बंद कर दी गई, इसको जो है प्रोडक्शन स्टॉप कर दिया गया। उसके बाद में फाइनली अब 2015 के अंदर क्लासिक लेजेंड जो कि एक कंपनी है, महिंद्रा की सब्सिडियरी कंपनी है, उसने जो है जावा को एक्वायर्ड किया और जावा की जो है राइट्स लिए कि जावा की मैन्युफैक्चरिंग अब वो करेगी। उसके बाद में जो है 2016 को ये डील जो है स्टेब्लिश हो गई और अब फाइनली 2 साल के बाद में जो है उन्होंने एक बाइक को कम्प्लीटली जावा की जो क्लासिक थीम पे जो है बनाया है, सेम वही जो है शेप में इंजन रखा है जो कि 293cc का 4-स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर फ्यूल इंजेक्टेड लिक्विड कूल्ड इंजन रहेगा। ये पावर प्रोड्यूस करेगा 27 BHP की 28 Nm ऑफ टॉर्क के साथ में और 6 स्पीड का जो है मैनुअल गेयरबॉक्स इस गाड़ी के अंदर आपको देखने को मिलेगा। साथ ही इसकी जो टॉप स्पीड है लगभग 120 km/h के आसपास होने वाली है और माइलेज इस गाड़ी से आपको 25 से 30 KMPL के आसपास जो है मिलने वाला है। तो फाइनली अभी गाड़ी जो है इंडियन मार्केट में लॉन्च होने जा रही है। लॉन्च डेट मैं आपको बता देता हूँ, 15th of November 2018 जो है लॉन्च डेट रखी गई है, इस गाड़ी को उस दिन लॉन्च कर दिया जाएगा। तो गाइज, ये थी कंप्लीट हिस्ट्री, स्पेक्स और गाड़ी की लॉन्च डेट। प्राइसिंग की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे जो है ये गाड़ी डायरेक्ट ट्रैवल करेगी इंडियन मार्केट में अवेलेबल रॉयल एनफील्ड की क्लासिक 350 को, तो उसकी प्राइस हिसाब से अगर इसकी प्राइस देखी जाए तो लगभग 1,30,000 से 1,40,000 रुपए की एक शोरूम प्राइस में जावा अपनी क्लासिक मोटरसाइकिल को जो है लॉन्च करने वाला है। देख लेते हैं लॉन्च होने के बाद में गाड़ी कैसी है, चला के देखेंगे। इसका पूरा रिव्यू अगर आपको देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाले बटन को प्रेस कर दीजिए, साथ ही इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए, वहाँ सारे अपडेट्स देता रहता हूँ कब कौन सी वीडियो आने वाली है, साथ ही आपके क्वेश्चंस के आंसर भी जो है वहाँ पे दे देता हूँ और जो नए अपडेट्स आने वाले होते हैं भी वहां पे आपको बता देता हूं। तो गाइस, अब बात कर लेते हैं आगे इस गाड़ी के लुक से रिलेटेड। तो अगर आप लोगों ने देखी है इस गाड़ी को ऑलरेडी पहले या यूज करी है तो आप लोगों को पता ही होगा, पर कंप्लीटली जो नई गाड़ी आने वाली है वो भी वही सेम रेट्रो थीम के ऊपर जो है डिजाइन की गई है। फ्रंट लुक जो है अगर आप इस गाड़ी का फोटो में देखेंगे तो यहाँ पे जो हेडलाइट पूरी राउंड शेप में आएगी, गाड़ी के जो है कलर जो यूज किए गए हैं वो डल कलर है। एक फोटो में जो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि गाड़ी पूरी रैप की गई है, मतलब ये टेस्टिंग पीरियड्स के फोटो जो है लीक हुए हैं, कंप्लीटली पूरी जो है रैप हुई है गाड़ी, कुछ दिख नहीं रहा कलर, पर जो कलर दिख रहा है उस फोटो में ऐसा लग रहा है कि डल कलर के अंदर ही जो है गाड़ी को लॉन्च किया जाना है। साथ ही क्रोम का जो है यूज काफी ज्यादा किया गया है क्योंकि ये रेट्रो थीम जो है इस गाड़ी को दी जानी है। साथ ही जैसे पहले आते थे ड्यूल एग्जॉस्ट पाइप, वैसे ही अब वापस से जो है ड्यूल एग्जॉस्ट पाइप इस गाड़ी के अंदर दिए गए हैं। तो गाइस, ये चीज देखने में काफी अच्छी लगती है। जो व्हील है वो स्पॉक व्हील है और उनमें भी जो है क्रोम का काफी अच्छा यूज किया गया है। टैंक के पास में बहुत सारा क्रोम का यूज किया गया है। हैंडल बार जो है काफी नैरो होने वाला है और उसकी जो सीटिंग है गाड़ी की वो सिंगल सीट के हिसाब से जो है रखी गई है, प्लेस की गई है। फ्यूल टैंक लगभग 12 से 15 लीटर के आसपास होने वाला है और गाड़ी का इंजन जो है वो कंप्लीटली जो आप फोटो में देख सकते हैं पूरा क्रोम फिनिश में आपको देखने को मिलेगा। साथ ही गाइस, आप लोगों के डाउट्स थे कि इस गाड़ी को इंडियन मार्केट में लॉन्च कर दिया जाएगा तो क्या रॉयल एनफील्ड के लिए रुके या नहीं रुके, तो ऑफ कोर्स रॉयल एनफील्ड अभी भी एक बेटर प्रोडक्ट जो है फील होता है क्योंकि ये रॉयल एनफील्ड की जो सर्विस है आपको ऑलमोस्ट बहुत सारी जगह इंडियन मार्केट में मिल जाएगी। जावा एक वापस से रीलॉन्च कर रहा है बाइक को तो बहुत कम सिटीज में जो है अभी इसकी सर्विसिंग मिलेगी। अब गाड़ी लॉन्च हो जाए उसकी सर्विस नेटवर्क कैसा है उसके बाद में ही पता कर सकते हैं या बता सकते हैं कि रॉयल एनफील्ड को टक्कर दे पाएगी या नहीं दे पाएगी। तो स्टार्टिंग में अगर आप सोच रहे हैं कि अभी रॉयल एनफील्ड नहीं लेके जावा ले लें तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको जावा पसंद है और आपकी सिटी में जावा की सर्विस मिल जाएगी तो ऑफकोर्स इस गाड़ी को आप जो है ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। साथ ही बात कर लेता हूँ ABS की, तो कुछ जो फोटो दिख रहे हैं वहाँ पे ऐसा लग रहा है कि फ्रंट वाले जो है टायर में आपको डिस्क ब्रेक भी मिल रहा है और वहाँ पे आपको ABS भी अवेलेबल रहेगा। साथ ही रियर में जो है आपको ड्रम ब्रेक का ही ऑप्शन इस गाड़ी के अंदर देखने को मिल रहा है। हो सकता है कंपनी 2 वेरिएंट लॉन्च कर दे और जो दूसरे वाले वेरिएंट में आपको जो है ड्यूल चैनल ABS भी देखने को जो है मिल जाए। तो अभी तक सिर्फ एक ही चीज कंफर्म देख के अपन बता सकते हैं सिर्फ फोटो को लेके, फ्रंट वाले टायर में जो है ABS हो सकता है, अदरवाइज सभी डिटेल जो है आपको गाड़ी लॉन्च होने के बाद ही पता चलेगी। सो गाइस, ये है
थी कंप्लीट डिटेल 2018 अपकमिंग जावा 300 मोटरसाइकिल की। आई होप आपको डिटेल पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, साथ ही सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को, क्योंकि ऑटोमोबाइल्स रिलेटेड ऐसी न्यूज़ रिव्यूज़ कंपैरिजन वाली वीडियो मैं रोज अपने चैनल पर लेकर आता रहता हूँ। साथ ही मेरी वेबसाइट है व्यवस्थित.com, जहाँ पर जाकर आप ऑटोमोबाइल्स रिलेटेड टेक रिलेटेड कंटेंट रीड कर सकते हैं अपनी ऑन लैंग्वेज में। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए, यहाँ पर आपको दिख भी रही होगी। और गाइस, अगर आपको ऑटोमोबाइल्स रिलेटेड कुछ भी डाउट्स हो, क्वेश्चन हो, कैरीज हो, कार्स, बाइक, स्कूटर से रिलेटेड, नीचे कमेंट्स कर सकते हैं। सोशल मीडिया पर ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे सारे आंसर्स जो है आपके देता रहता हूँ। सो गाइस, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। कल तक की वीडियो के लिए फ्रेंड्स बाय बाय, हैव अ नाइस डे। हाँ फ्रेंड्स, ड्राइव सेफ।